हेलो, हाँ भाई साहब, मैं राम मोहन बोल रहा हूँ। तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी बरसों की रिसर्च कामयाब हो गई। हाँ, मैं जिस खदान की खुदाई करवा रहा था उस खदान में हीरे निकल आए हैं। मैं अभी आता हूँ आपके पास। एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करोगे? हरगिज नहीं, किसी कीमत से नहीं। तो फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो राम मोहन का हुआ। इसका मतलब है राम मोहन ही वो गायब नहीं हुआ, मैंने उसे जान से खत्म कर दिया। और अब काल में छुपे हुए करोड़ों के हीरों का राज सिर्फ हम दोनों जानते हैं। नमक हराम कमीने, तूने राम मोहन का खून किया है, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। उसके लिए सबूत चाहिए मुझे जगदीश। मैं सबूत हूँ, मैं अदालत में गवाही दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अमर ललितपुर पहुंच रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पूरे ललितपुर को एक चक्रव्यूह बना दिया है। वेरी गुड। अजय बेटा, तू अमर से कह दे कि वो खदान शुरू करने की बात ही मुझसे ना करे। आंटी, वो बहुत जिद्दी है। अगर वो जिद्दी है तो मैं उस जिद्दी की माँ हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं मानता। लो आ गए साहब बहादुर। समझ गया, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। देख अमर, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। लेकिन माँ, मेरी बात तो लेकिन कुछ नहीं। उस खदान की वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया, तेरे चाचा की जान चली गई। मैं उस मनहूस खदान का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मनहूस? अरे माँ, तुम फिर वही सदियों पुरानी बातें कर रही हो। दुनिया में कुछ भी मनहूस नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। मेरा वहम ही सही, लेकिन मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो नहीं करूंगा, लेकिन माइंस चालू ना हुई तो पिताजी की आत्मा को दुख होगा। पिताजी की आत्मा का तुझे इतना ख्याल है, मेरी आत्मा चल रही है उसका कुछ ख्याल नहीं? कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मगर अपनी जिद नहीं छोड़ सकता, भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास मौजूद है, फिर तू क्यों अपने हाथ और मुंह काला करना चाहता है? तुम समझते क्यों नहीं माँ,
तुमने हजारों रुपए खर्च करके मुझे इंजीनियर बनाया, और फिर ये भी तो सोचो ना, अगर माइन शुरू हो जाएंगी तो सैकड़ों लोगों का पेट भरेगा, उनकी दुआएं लगेंगी तेरे बेटे को। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, न जाने क्यों मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तुम चिंता ना करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो तेरे जी में आए तू कर, मगर एक बात तुझे मेरी माननी ही होगी, अब मैं अकेली नहीं रह सकती, तू शादी कर ले। बस इतनी सी बात, अभी बुलाता हूँ पंडित को, ले लेता हूँ फेरे। कोई लड़की पसंद की है क्या? माँ बहू तुम्हें चाहिए, लड़की भी तुम देखो। हाँ हाँ मैं तो देखूंगी ही, जैसे बहू सिर्फ मेरी ही होगी, तेरी तो कुछ नहीं होगी। हमेशा अपने बाप की तरह मनमानी करता है, किसी की सुनता ही नहीं, मगर मैं कह देती हूँ तुझे अब शादी करनी ही पड़ेगी। अजय माँ राजी हो गई है, मैं ललितपुर जा रहा हूँ, पता नहीं वहां कितने रोज लग जाए, माँ अकेली है, उनकी देखभाल और बंबई ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चिंता ना करो अमर, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे यकीन है दोस्त, तुम्हारे और विजय के भरोसे पर तो मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं, तुम विजय को खबर कर दो, मैं कल पहुंच जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम्हारे हाथ की रेखा कहती है कि तुम्हारी शादी एक धनवान से होगी, खूबसूरत नौजवान से होगी, कोयले की खदान से होगी। आई मीन कि कोयले की खदान के मालिक से होगी, जैसे कि मैं। तुम मालिक हो? तो फिर अमर कौन है? अमर एक उजली वीरान खदान का लावारिस वारिस है, सिर्फ मेरे बलबूते में जी रहा है और ऐसे ईश्वर से कूद भी रहा है। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। मुझे कब मालूम था, ये तो मैं दोस्ती दोस्ती से मजबूर हूँ, इसलिए शहर की दुनिया से दूर हूँ और इस बस्ती में चूर चूर हूँ। तुम जानती हो अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? ये खदान कब्रिस्तान बन जाती और इसकी मनुष्यत अमर को खा जाती और इस खदान का मैं मालिक बन जाता। लेकिन नहीं, मैं अमर का दोस्त हूँ, कैसे हो सकता है? लेकिन वो आपका क्यों नहीं? वो क्या आएगा? उसकी खबर आएगी। आई मीन कि उसकी खबर आएगी, खत आएगा, टेलीफोन आएगा। टेलीफोन किसका आएगा? हेलो, गोल्डमाइन एक्सपर्ट विजय कुमार स्पीकिंग, हूज देयर? दोपहर को? अच्छा मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? अमर आ रहा है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। बड़े मालिक बन गए थे, खबर आते ही डर गए, अब उसे लेने जा रहा हूँ। नहीं मैं लेने नहीं, आई मीन कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा? वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? अभी क्या, वो यहाँ तक पहुँचाएगा? तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ? वो जान जाएगा। क्या जान जाएगा? जान मेरा मतलब कि जॉन जाएगा, जॉन 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 गुड गुड जॉन जाएगा जॉन। तू पन साला कंटाल गया है नहीं अपना साहब, किसको मालूम हवाई जहाज में आता है, पैदल आता है के रास्ता के ऊपर भाग के आता है, अपन इधर ही खड़ा रहेंगे। Excuse me. सारा दारू एम पी इंग्लिश तुम बोलता है? सुनो भाई, तुम ये नहीं, तुम हमको पूछता है घोड़ा को पूछता है? आपसे काहे को, ये घोड़ा भाड़े का नहीं है, तुम जा। अरे भाई ये तो बताओ, लक्ष्मी माइन जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी क्या? लक्ष्मी कौन माइन? तुम्हारा नाम क्या है? अमर। अरे सारे तुमको लेने को आया था। तुम्हारा नाम क्या? वो जॉन 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 साहब। विजय क्यों नहीं आया? वो क्या क्या बोलेगा विजय साहब, वो रीता प्रेम साहब के साथ लव सीन चालू किया, वो तुम्हारे पास घोड़ा भेजा है सर। अच्छा तुम्हें बैग लेकर आओ, मैं घोड़े पे आ रहा हूँ। थोड़ा संभाल के जाएगा साहब, इधर जंगल बहुत खतरनाक है। Thank you.
कब?
भरी रंग मेरा पाप से ना जाए, मेरी जान से ना जाए। तशरीफ लाइए। नाचीज को मिली कहते हैं। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपकी महफिल खत्म हुई। बाहर बहुत भयानक तूफान है। तूफान तो अंदर भी है, मगर जरा खूबसूरत है। हुजूर जर्रे को आफताब बना रहे हैं। फरमाइए, क्या खिदमत करूं? बात यह है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। भटके हुए लोग ही यहां आते हैं। आप गलत समझ रही हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। गुस्ताखी माफ, मगर हुजूर की तारीफ? मुझे अमर कहते हैं, लक्ष्मी कोल माइंस का मालिक हूं मैं। गरीब खाने पर हुजूर तशरीफ लाए, खुशनसीबी है मेरी। मगर वो खदान तो कई बरसों से बंद है। जी हाँ, मैं उसे फिर से खोलने आया हूँ। मुबारक हो, कहिए क्या पेश करूं, शरबत या? खातिर करना तो कोई आपसे सीखे। हमारे पेशे में खातिर खिदमत पहला उसूल है। इस खिदमत के बदले क्या कीमत देनी होगी? हुजूर शर्मिंदा कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त हमारा दस्तूर ही सही, मगर हम इतने गए गुजरे भी नहीं कि एक रात के मेहमान से कीमत वसूल कर ले। मेहमान? जी हाँ, आज रात आप मेरे मेहमान हैं। शुक्रिया, आपकी याद अभी खूब है। एक अनजान को मेहमान बना लिया। अनजान? रिश्ते आंखों से नहीं दिल से कायम होते हैं। दिल तो आपको पहचानता है। कब से? शायद जन्मों से, सदियों से। आप काफी दिलचस्प हैं। शुक्रिया, इज्जत अफजाई है हुजूर की। चलिए मैं आपको आराम करने की जगह दिखा दूं। Mili!
ये लीजिए भाभी 40,000 रुपए जो आपने मंगवाए थे। आपको मालूम है वकील साहब, आज अमर ने हमें मजबूर कर ही दिया। वो कैसे? बड़ी मासूमियत से कहने लगा कि खदान चालू हो जाने से हजारों मजदूरों को रोजी मिलेगी, जब उनका पेट भरेगा तो दुआएं लगेंगी तुम्हारे बेटे को और पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, और न जाने क्या क्या कहने लगा। बिल्कुल भाई साहब की तरह, वो भी जिद करते थे मगर बड़े प्यार से। उसी प्यार से जिद करके इसने भी मुझसे हाँ करवा ली। हाँ तो कर दी मगर। आप बिना वजह उलझन में पड़ी हुई हैं। बाहर से इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, होशियार लड़का है, सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन आपने कैसे हाँ कर दी? वो शादी के लिए तैयार हो गया है। अरे वाह, मुबारक हो। मैं तो कोशिश करूंगी ही, मगर आप ही ढूंढिए ना कोई अच्छी सी लड़की। अमर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एक से एक लड़कियां हैं पंडित हरिओम जी के पास, उनको आपके पास भेज देता हूँ, आप शादी की तैयारियां कीजिए। कहाँ गुम हो? अच्छा हुआ विक्रम कि तुम आ गए। मैं कहाँ गुम हूँ, अमर गुम हो गया है। क्या हुआ अमर को? स्टेशन पर आया, सामान जॉन को दिया, खुद घोड़े पर बैठा, कहा कि तुम घर चलो मैं आता हूँ। घोड़ा तो आ गया, वो गायब है, रात भर से मैं परेशान हूँ। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। चलो अंदर आओ, फोन करते हैं पुलिस को। प्लीज आओ, प्लीज आओ। न जाने कहाँ गायब हो गया। यही तो हैरत की बात है, जंगल का मामला है, न जाने कहाँ निकल गया। लोग यहाँ के अजीब हैं यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे भाई बात ही परेशानी की है, पहली मर्तबा आया है और अभी तक। हाय विक्रम, हाय विजय। मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्यों भाई? क्यों भाई, अरे हम लोग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं और चुपचाप तुम यहाँ चले आए, हमको पता तक नहीं। आई एम सॉरी यार। अरे व्हाट सॉरी, उल्टी सीधे काम करते हो यार, अगर रास्ता भटक जाते तो। अरे तुम लोगों के होते हुए कभी मैं भटक सकता हूँ? मक्खन नहीं लगाओ, मक्खन नहीं लगाओ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले ये बताओ कि तुम रात भर थे कहाँ? क्या बताऊं मुझे, कल रात बड़ी अजीब बात हुई मेरे साथ। क्या बात हुई? जंगल में वो हवेली है ना, उस हवेली में कल रात मुझे लड़की मिली थी। लो और सुनो, आते ही लड़कियों का चक्कर चालू। अब समझ में आया कि माजी ने तुझे यहाँ आने के लिए क्यों मना किया था। अरे भैया जोश की बातें छोड़, होश की बातें कर। उस हवेली में जहाँ दिन में कुत्ते का पिल्ला तक नहीं जाता, वहां तुझे रात में लड़की मिली थी। वो मिली थी और उसके बाद न जाने कहाँ चली गई। वो थी नहीं ना, इसीलिए चली गई। अरे भैया मुझे क्यों बोर कर रहा है, मुझे बहुत से काम करने हैं, मजदूरों को जमा करना है, सामान की लिस्ट बनानी है, आपके आने की खबर माजी को देनी है, मुझे जाने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन माजी को कल रात की बात मत बताना। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मगर मालूम है क्या हुआ, जाना माता यहाँ जा रहा हूँ। समझता नहीं है। विजय को तो यकीन ही नहीं आता कि वो लड़की मुझे मिली थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुझे वहां लड़की जरूर मिली होगी। बताना क्या बात, कौन है वो लड़की? कम ऑन विक्रम, टेल मी। मेरी प्यारी सी नाजुक सी नन्ही गली। कल रात जो हवेली में तुझे लड़की मिली थी वो यही है ना? यही है वो लड़की। कौन है ये, कहां रहती है? स्वर्ग में। स्वर्ग में? कम ऑन नाउ विक्रम, डोंट पुल माय लेग, मजाक मत कर यार। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये लड़की वाकई मर चुकी है। व्हाट? यस, ये लड़की मर चुकी है तो वो लड़की कौन थी? उसकी आत्मा, भटकती हुई रूह। बिल्कुल गलत, जिस लड़की ने कल रात मुझसे बात की वो रूह कैसे हो सकती है? यार अमर तो पढ़ा लिखा आदमी है, जरा ये तो सोच कि उस वीरान हवेली में ऐसी रंगीन महफिल कौन सजाएगा। वो एक रूह है जो बरसों से भटक रही है। विक्रम मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। अरे भाई मैं कहां विश्वास करता था, लेकिन आज से 5 साल पहले विक्रम
हसीनों को हम ओ खुदा मानते हैं, हसीनों को हम ओ खुदा मानते हैं, हमें क्या गरज लोग क्या मानते हैं, हसीनों को हम ओ खुदा मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं, हसीनों को हजरत खुदा मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते खुशबू अलग है ना फूलों के प्याले, न खुशबू अलग है ना फूलों के प्याले, तुम ही हो मोहब्बत तुम ही हुस्न वाले, तुम ही हो मोहब्बत तुम ही हुस्न वाले, ये सच है तो फिर क्यों, ये सच है तो फिर क्यों बुरा मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं, हसीनों को हजरत खुदा मानते हैं, मोहब्बत को फिर सब हुस्न ही की अदा मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते हैं, हमें क्या गरज लोग क्या मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं, को हम तो देखा करेंगे, यूं ही आपको हम तो देखा करेंगे, नजर में बिठाएंगे सजदा करेंगे, नजर में बिठाएंगे सजदा करेंगे, के दिल वाले के दिल वाले दिल का कहाँ मानते हैं, हसीनों को हम तो खुदा मानते हैं, हसीनों को हजरत खुदा मानते हैं, मोहब्बत को फिर आप क्या मानते हैं, हसीनों को हम तो
और इस तरह मिली ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मिली का ताल्लुक ऐसे खानदान से था जहां घुंघरों की झनकार और तबले की थाप पे शराब और शबाब की रंगीन महफिलें सजती रहती थीं और जवान रूहें सिसकती थीं, जहां सिक्कों की खातिर लड़की की इज्जत और आबरू का सौदा किया जाता था। मिली को ऐसे माहौल से सख्त नफरत थी, सख्त नफरत। मिली ने अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए खुदकुशी कर ली। बिस्की में ये सोडे का बघार, बिस्की में आ रहा है खुमार, और यही वक्त है इसके पी लेने का यार। और तू है कि वहां खड़ा हुआ सन्नाटे में, अरे यार ये तुझको बुला रही है, बिस्की बुला रही है, झूमती लहराती गाती आ रही है। अमर याद है वो दिवाली के दिन जो हमने गधे की दुम में पटाखे बांधे थे ना, और जो धूबी दौड़ता हवा की तरह उसके पीछे, अरे वो करके निकल गया था। क्या हो गया यार, तो मुझे बताना, अपने दोस्त को ही बताएगा, बोल। हवेली में वो लड़की मिली थी ना, हाँ विक्रम बता रहा था कि वो 5 साल पहले मर चुकी है। मर चुकी है, ये कैसे हो सकता है? डर गया क्या? नहीं डरने की बात है यार, नहीं मैं डरा नहीं हूँ। अरे यार इस वक्त तू जाम की बात कर, कुछ काम की बात कर। काम की बात तो ये है प्यारे, आज रात मैं उस हवेली में फिर जाऊंगा। ये जानकर भी कि वो मर चुकी है, तू वहां जाएगा? आएगा बिल्कुल। अरे जिंदों से तो सभी मिलते हैं, मुर्दों से मिले तो कोई बात है। अरे भैया, ए मेरे आप, ए मेरे भाई, ये उल्टे सीधे धंधे मत कर, पता नहीं क्या चक्कर है, कहां निकल पड़े? मैं तो मालूम करना चाहता हूं। जॉन 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 साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम तुमको बोला होता ना, इधर घोस्ट है, भूत है, तुम खाली पीले कागज का पीछे जाता है साहब। तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा? जाओ अपना काम करो। काम सब कर लिया, दूसरा कुछ काम नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा पीछे आता है साहब।
अरे देख तू कैसा लगता है। अरे सारा दिन दारू पीता रहेगा या कुछ देखेगा भी? तुम छोकरियां पहलो में। अरे देख कैसा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बेतला घूमू रखा घर में छम 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 करेगा। अभी जाओ तुम जाओ। साला हड्डी तोड़ दिया। बेताब हूँ आपको देखने के लिए। बेताब तो मैं भी हूँ आपसे मिलने के लिए। फिर ये पर्दा कैसा? ये पर्दा नहीं फासला है। फासला? हाँ, जो कभी मुझे आपके आगोश में नहीं आने देगा। मगर मैं ये फासला और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा मुझे, धोखा हो गया। यही ना, ऐसे धोखे आपको रोज रोज होते हैं या कभी कभी? कभी नहीं। कुर्बान जाओ इस मासूमियत पर। क्या नाम है हुजूर का? अमर। हाय, मैं तो आप ही की मेहमान हूँ। मेरी मेहमान? मैंने पहचाना नहीं आपको। जान पहचान तो मिलने जुलने से ही बढ़ती है। अभी तो हम मिले हैं, कुछ देर बैठेंगे, बातचीत होगी और फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। कौन सा चक्कर? हाँ वही चक्कर, जिस चक्कर में आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे।
देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, दरअसल मैं खैर छोड़िए, मैं विजय की दोस्त मीता हूँ। दरअसल उसी से मिलने जा रही थी कि आप मिल गए। कि आपने पहले, खैर छोड़िए, अब आप आ गई हैं, उसकी मुसीबत भी हल हो जाएगी। चलिए जगह है, आइए। थैंक यू। विजय कहाँ है? यही कहीं होगा। दरअसल जब से उसकी कॉटेज की मरम्मत चल रही है ना, वो यहीं रहता है। तो हम भी यहीं रहेंगे। हाँ जरूर रहिए हमारे सराखों पर। आइए आपको आपका कमरा दिखाऊं। थैंक यू। नहीं। क्या कुछ नहीं, अंदर छुपे थे। अच्छा तो तुम पहले से यहाँ छुपे हुए थे? बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई। भाई संभालो अपनी जान को, मैं चला। और सुनाओ मेरी मीता, रास्ते में क्या क्या बीता? किसी पे कुछ भी बीते उससे तुम्हें क्या, ये कोई तरीका हुआ? सगाई के बाद तुम एकदम गायब हो गए। मैंने तीन तीन चिट्ठियां लिखी, न उसका जवाब न खैरियत। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो है। सुनो, माँ जी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मगर मीता फिलहाल तो मैं चल नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ। प्लान? हाँ, बात ऐसी है कि की बेचैनी दूर हो जाएगी। उठो चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना। La la la.
पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूं सनम तेरे लिए। बाहों में मैं सोया रहा, पायल की छम छम में मैं खोया रहा, सपनों की बाहों में मैं सोया रहा। तू मिली जिंदगी मिल गई, छूने से मैं ना हो बदन तूने पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूं सनम तेरे लिए। परियों की बस्ती से क्या आई है तू, नैनों के प्यालों में क्या लाई है तू। परियों की बस्ती से क्या आई है तू, नैनों के प्यालों में क्या लाई है तू। छूने से मैला हूँ ऐसा बदन तूने पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूँ सनम तेरे लिए। जादू सा करती है ये तेरी हंसी, फूलों की खुशबू सी है तुझ में बसी। जादू सा करती है ये तेरी हंसी, तू मिली हर खुशी मिल गई। छूने से मैला हो ऐसा बदन तूने पाया है। सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है मेरे लिए, मैं हूँ सनम तेरे लिए। ला 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 thank you.
मिली। I'm sorry. फिर धोखा खा गए क्यों? कोई बात नहीं। कोई बात तो है जो आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे कुछ गपशप करूंगी, लेकिन देखा आप तो इस दीवान पर ख्वाबों की दुनिया में मस्त थे। वैसे किस परी के चक्कर में मुझसे लिपट पड़े हुजूर? ऐसे ही। ऐसे ही? तो फिर कोई बात नहीं। और अगर फिर भी कोई बात नहीं? कौन है तुम? जॉन। यस सर। जॉन। यस सर। ये कौन है? ये छोकरी साहब। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। काम करने को रखा है साहब, वो झाड़ू मारेगा, बर्तन धोएगा, क्या अपन तो ऐसे रख लिया? इसे जानते भी हो? हाँ जानता साहब, अक्का फैमिली को जानता है, इसका बापू जानता है, इसका भाई को जानता है। क्या नाम है इसका? नाम तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्यामली। श्यामली साहब, देखा हम पहचानता है साहब, रख लेंगे तो अच्छा साहब, क्या हम दारू पी के किधर भी गिर जाता खाली फुकट में। ठीक है जाओ। रखेगा? दफा हो जाओ। देखा क्या करता है? अच्छा साहब, लाइन में था, चल विजय। विजय, हमारे माइंड के इस नक्शे में ये लाल निशान कैसा? अरे यार इंजीनियर तू है कि मैं हूँ, मुझे तो ये लाल पीली लकीरें एक जैसी दिखती हैं। अब ये लाल निशान कैसा मुझे क्या मालूम है, ये कोई मंदिर मंदिर दिखता है, या मैं इतना जानता हूँ कि लाल निशान कोई खतरे की घंटी होता है। ये निशान आखिर इस नक्शे में क्यों है? कौन? अपुन। अपुन है साहब। साहब तुम पीला हवेली के बारे में सोचता है ना? तुम्हें कैसे मालूम? वो फजर में तुम इंस्पेक्टर को बोला होता ना, एक छोकरी मिला था उसका। बकवास बंद करो, खाना तैयार है? खाना तैयार है? हाँ तैयार है, लगाता है। पन साहब ये भूत और घोस का लफड़े से दूर रहने का, साला खाली फुकड़ में लफड़ा हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। नहीं इडियट, खाना लगाता है, आपने क्या करने का है? तुम भूत को खाओ के भूत तुमको खा जावे। ग्रेडी, अब डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई करो, मेंढकियों को जुकाम हो गया, हो गया जुकाम मेंढकियों को। क्या बात है? क्या बात है? अरे डिमांड। अरे क्या हुआ, इतना ताव क्यों खा रहा है तू? अरे ताव नहीं खाओ तो क्या करूं, मजदूर लोग कह रहे हैं जैसे आपके पिताजी नया काम शुरू होने से पहले पूजा पाठ किया करते थे, दान दक्षिणा दिया करते थे, पार्टी दिया करते थे, अब हम मजदूरों को पार्टी दें। ओ, उन्हें पार्टी चाहिए? हाँ। तो जैसे होता है वैसे होने दो, कुछ खर्च हो जाएगा हम लोग कर लेंगे, दे देते हैं पार्टी। अरे हाँ ठीक तो है, खर्च होने दो। अरे मैं पागल हूँ, अरे खर्च होने दे। I'm sorry. सुनिए। जी। कहाँ जा रहे हैं नजर बचा के? जी नजर बचा के नहीं, झुका के जा रहा था। जैसे भी जा रहे थे, जरा करीब आइए। क्यों? क्या बात है? ये पहना दीजिए ना। Sure. आप इस वक्त कैसे आए? मैं कल एक पार्टी दे रहा हूँ, सोचा सबसे पहले आपको इनवाइट करूँ। थैंक यू। पार्टी में और किस किस को बुलाया है? सभी आएंगे। आपके वो इंस्पेक्टर तो
मिस्टर विक्रम भी आएंगे? हाँ हाँ जरूर आएंगे, मगर मिस्टर विक्रम में इतनी दिलचस्पी क्यों? वो यूं ही सी टुमारो। शट अप, तुम्हारी ये बहानेबाजी और बकबक मैं बहुत सुन चुका हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ, जब चाहूँ तुम्हें अंदर कर सकता हूँ, समझे? बेवकूफ, अरे भाई किसे अंदर कर रहा है? आओ अमर, हमारा तो काम ही यही है, किसी को अंदर किसी को बाहर। यार जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो लगता था तू बिजनेसमैन बनेगा, बन गया तू पुलिसमैन। अबे साले शुक्र कर वॉचमैन नहीं बना। अच्छा तू बता तेरी क्या सेवा करूं, गरम ठंडा? पहले तू हटा ये डंडा और मेरी बात सुन। देख भाई माइन शुरू होने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, सभी दोस्त आ रहे हैं, तुझे भी आना होगा। और तुझे ये कहने के लिए यहाँ आना पड़ा, एक फोन कर दिया होता मैं पहुंच जाता। इसी बहाने तुझसे मुलाकात हुई। हाय रे, तेरी यही अदाएं तो मार देती हैं। अमर बहुत खुशी की बात है, माइन शुरू हो रही है, बट व्हाट डू यू फील? यार मैं तुझे क्या बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूं विक्रम, मेरा सबसे बड़ा मकसद पूरा हो रहा है। क्या नहीं, ये तेरी हिम्मत है कि इतने बरसों की बंद माइन को फिर से शुरू कर रहा है, लेकिन जरा होशियार। तू तो मेरी आदत जानता है ना। हाँ वो तो मैं एक बार कदम बढ़ाकर पीछे नहीं हटा। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ओके देन, शाम को ठीक वक्त पे पहुंच जाना। हाँ। यार दोस्तों के साथ ही तो जिंदगी का मजा है। और फिर मैं ये चाहता हूँ कि आज की रात यादगार रात। ऑफ कोर्स, जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके देन, ओके, ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम ये काम नहीं करोगी तो फिर और कौन करेगा? हरगिज नहीं, मैं ये काम किसी कीमत पे भी नहीं करूंगी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे भाई की जान, जो तुम्हें बहुत प्यारा है। नहीं नहीं, उस बेचारे को इस पाप की दलदल में मत घसीटिए। मैं वही करूंगी जो मैं चाहता हूं, है ना? जी, ये मिस्टर अमर कहाँ मिलेंगे? फिलहाल वो घर पे हैं, लेकिन जरा उनकी तबीयत खराब है। घर पे? जी, लेकिन इस वक्त उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। जरूरी है तो आइए आइए। चलिए। आइए इंस्पेक्टर, आइए प्लीज। मैं जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओह यस सर, ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सका, विक्रम की अचानक मौत से मुझे, आप समझ सकते हैं। ओह श्योर, आई अंडरस्टैंड। बैठिए ना। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। चाय पियेंगे? नो थैंक यू। आप विक्रम को कब से जानते थे? विक्रम मेरे बचपन का दोस्त था, जिंदगी का बहुत सा वक्त एक साथ गुजारा था हमने। और उस दोस्त को, खैर
इतनी रात गए पार्टी छोड़कर उस तालाब के किनारे क्या करने गए थे? बात दरअसल यह है इंस्पेक्टर, मुझे गर्मी लग रही थी, मैं नहाने के लिए गया था। घर का बाथरूम छोड़कर उस गंदे तालाब में नहाने गए थे? जी हाँ, मुझे तैरने का शौक है। तो आपने किसी 5-star होटल का स्विमिंग पूल समझ रखा था उसे? क्या कोई ऐसा कानून है कि आदमी सिर्फ स्विमिंग पूल में ही नहा सकता है? कोई नहीं, लेकिन आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ना मैंने कोई जुर्म किया है और ना ही मुझे कुछ छुपाने की जरूरत है। मुजरिम गुनाह करते वक्त यही सोचता है कि वो कानून को धोखा दे रहा है, दरअसल वो अपने आप को धोखा देता है। मिस्टर अमर, खून हमेशा कातिल के सर चढ़ कर बोलता है। मैंने खून नहीं किया है, बिलीव मी, मैंने खून नहीं किया है। हर मुजरिम के यही अल्फाज होते हैं। क्या सबूत है कि आपने खून नहीं किया? आपके पास क्या सबूत है कि वो खून मैंने किया है? इंस्पेक्टर इतना तो सोचिए, अगर वो खून मैंने किया होता तो मैं लाश को किसी भारी चीज से वहीं दबा देता, बाहर इसलिए नहीं लाता कि आप मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दें। पहुंचाने की जरूरत नहीं, फंदा खुद कातिल की गर्दन तलाश कर लेता है। और मुझे यकीन है कि वो गर्दन मेरी नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा, कानून की निगाह से मुजरिम बच नहीं सकता। ना बचता होगा, मगर कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद खुद खबर नहीं करता। कुछ मुजरिम बहुत चालाक होते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर बहुत शक्की होते हैं। यही शक तो मुजरिम तक पहुंचाता है। अगर आप मुझ पर इसी तरह शक करते रहे तो असली कातिल बहुत दूर निकल जाएगा। कातिल अपने गुनाहों के अंधेरे में भटकता हुआ जहां पहुंचेगा, कानून उसकी मौत का ताबूत ही उसके सामने खड़ा होगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। एनीवे इंस्पेक्टर, मैं एक जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए बॉम्बे जाना चाहता हूं। जाइए, लेकिन वहां जाकर बामी पुलिस स्टेशन पर अपने पहुंचने की रिपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। जरूर कर दूंगा। पंडित जी, आपने जो तस्वीर दिखाई थी वो लड़की मुझे पसंद है। जी, आपने जो तस्वीर दिखाई थी वो लड़की मुझे पसंद है। सुंदर, अति सुंदर। पंडित जी आहिस्ता, मैं सुन सकती हूँ। क्षमा कीजिए मार्चू, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। सुंदर, अति सुंदर। हीरे की परख तो जौहरी भी जानता है। आपकी दृष्टि बड़ी तीखी है मार्चू, कन्या परी गुणवंती। फोटो तो अच्छी है, देखने में कैसी लगती है? कुछ न पूछिए मार्चू, इंदर की अप्सरा लगती है। मस्त हरनी जैसी चाल, कंचन जैसा शरीर, इतने बड़े बड़े तीखे नए, मुस्कान पर मन लौट पौट हो जाए। और संस्कार इतने सुंदर कि लक्ष्मी का अवतार है, किस घर में जाए, सोने के महल बना। फिर तो पंडित जी कोई अच्छा सा शगुन विचार के अगले हफ्ते में शादी करवा दीजिए। इतनी जल्दी? हाँ पंडित जी, मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, अमर अकेला रहता है, मन उसी में लगा रहता है। जितनी जल्दी ये शुभ काम हो जाए मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वो तो ठीक है मालकी, मगर करने वाले बड़े अनाथ है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है करने वाले बड़े गरीब लोग हैं, इतने जल्दी व्यवस्था न कर पाएंगे। इसकी चिंता ना कीजिए पंडित जी, जब रिश्ता करना है तो उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। हरिओम हरिओम। मगर मालकी, छोटे मालिक है, एक नजर करने को देख लेते। मेरा अमर ऐसा नहीं है, जो लड़की मुझे पसंद है उसे भी पसंद होगी, और फिर अगर चाहेगा तो दिखा दूंगी। जैसे आपकी मर्जी, मैं एक दो दिन में अच्छा सा शुगुन विचार करके फिर उपस्थित हो जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तू आ गया बेटा। माँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अरे मेरी फिक्र छोड़, तू अपनी बता, कितना दुबला हो गया। हाँ। दिन रात काम करता होगा। मगर ये अचानक तू कैसे आ गया? तुम्हें देखने को जी चाहा, चला है? छोड़ मुंह देखी बात, अगर तुझे मेरी इतनी परवाह है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे तुम कह के देखो, मैं भी कर लेता हूँ। सच? ठीक है, मैंने लड़की पसंद कर ली है, अगले हफ्ते तेरी शादी कर दूंगी। अगले हफ्ते? मगर इतनी जल्दी भी क्या है? तुझे ना होगी, मुझे तो है। लड़की की तस्वीर उस ड्रॉअर में है, देख ले। लेकिन तुम समझती क्यों नहीं? मैं लड़की वालों को जबान दे चुकी हूँ, क्या तू लोगों में मेरी ना कटवाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरी कुछ मजबूरी है। मैं मेरी भी तो मजबूरी है, जबान देकर पीछे हट गई तो क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है माँ, जो तुम्हारे दिल में आए करो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम और कत्ल? नो नो नो, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये आप जानते हैं,
मगर पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे कैसे नहीं मानेगी, फिर हम किस काम के लिए? कानून सिर्फ मुजरिम को सजा देने के लिए है, बेगुनाह को नहीं। मार साहब, मां इस वक्त मेरी शादी की तैयारियों में खुश हैं। इसके बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा वरना खामखा परेशान हूं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जाकर सहरा बांधने की तैयारी करो। अमर का तो कल्याण हो गया, अब तुम मेरा भी कल्याण कर दो ना। तुम्हारा कल्याण तो ऊपर वाला ही कर सकता है। सब कुछ ऊपर वाला ही करेगा, नीचे वाली कुछ नहीं करेगी। बोर मत, मैं बोलता हूँ। रीटा, रीटा डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। विजय, मैं यहाँ घूमने फिरने आई हूँ, तुम खामखा मेरे गले पड़ रहे हो। अरे गले तुम मुझे पढ़ने कहाँ दे रही हो? रीटा देखो मेरी दिल की धड़कन सुनो, कैसी मीठी मीठी है। देखो छुपे यार। देखो डार्लिंग, तुमने इस तरह मेरा दिल तोड़ा ना तो मैं फांसी को फंदा देके आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, तुम विधवा हो जाओगी। मैं क्यों विधवा होने लगी? तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम मेरे होने वाली पत्नी हो, मेरे होने वाले बच्चों की माँ हो। शट अप, तुम जैसे कोयले के दलाल के मुंह नहीं लगती मैं। कोयले का दलाल? अरे कान के मैनेजर आजम को कोयले का दलाल तुम नहीं कह सकती हो। कहूँ हजार दफा कहूँगी कोयले का दलाल। मैनेजर आजम? कोयले का दलाल। मैनेजर आजम? कोयले का दलाल। तो ओ जाने वाली रुक जा और सुन ले, मैं दुनिया से खोल खोल के कह दूंगा। क्या कह दोगे? हाँ मजनू तू लैला, मैं मजनू तू लैला, दिल को ना कर मैला, दुल्हा बन के आऊंगा, पंडित जी को लाऊंगा, और फिर सातों फेरे बेरे करके अग्नि के कसम से, कसम से, कसम से तुझको घर ले जाऊंगा रानी जी। ओए मैं मजनू तू लैला, दिल को ना कर मैला, दुल्हा बन के आऊंगा, पंडित जी को लाऊंगा, और फिर सातों फेरे बेरे करके अग्नि के कसम से तुझको घर ले जाऊंगा रानी जी, रानी जी। मजनू तू लैला, दिल को ना कर मैला, दुल्हा बन के आऊंगा, पंडित जी को लाऊंगा, और फिर सातों फेरे बेरे करके अग्नि के कसम से तुझको घर ले जाऊंगा रानी जी, रानी जी। Yeah.
समझा, मेरा दिल ना जला। तू जो मिल जाएगी तो मैं घर वाला कहलाऊंगा।
सारा प्यार, थोड़ा सा झंडूबाम, पीड़ा से झटपट आराम। देखिए पाचन शक्ति बढ़ाने वाला अनोखा टॉनिक झंडू पंचारिष्ट। क्या पांचों उंगलियां एक बराबर होती है? मगर साथ मिले तो क्या ताकत, क्या शक्ति। वैसे ही पंचारिष्ट में पांच आयुर्वेदिक आसों मिलकर पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। झंडू पंचारिष्ट। I'm sorry, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, it's all right. क्या बात है? अभी अभी ललितपुर से फोन आया है कि वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और विजय भी बहुत जख्मी है। ये कैसे हुआ? पता नहीं, तुम कहो तो मैं चला जाऊं। नहीं नहीं, मैं जाता हूं। अमर, तुम आज की रात? पता नहीं विजय की कंडीशन कितनी सीरियस होगी, तुम मेरे जाने की तैयारी करो। अच्छी बात है। मैंने सब सुन लिया है, जितनी जल्दी हो सके लौट आइएगा। कमाल हो गया, मैंने तो शादी की खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। गलती से चोट का जिक्र मैंने अजय से कर दिया और उसने बात का बतंगड़ बना दिया कि एक्सीडेंट हो गया। और यार तूने भी कमाल कर दिया, फोन कर लिया होता इतनी दूर आने की जरूरत क्या थी? तेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं वहां कैसे चैन से बैठ सकता था है? यार अमर, तेरे से प्यार ने तो मुझे खरीद लिया है जान, मगर माँ जी और सब लोग परेशान होंगे वहां पर। तू उनकी फिक्र मत कर, अभी उन्हें फोन कर। हेलो, नमस्ते माँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। अमर, अमर विजय कैसा है? माँ वो बिल्कुल ठीक है, बस यूं ही जरा सी चोट आ गई थी, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान का शुक्र है, तू जितनी जल्दी हो सके वापस आ जा। अच्छा माँ। विजय, तुम मेरे बंबई जाने का इंतजाम करो, वहां से आते ही माइंस का काम शुरू कर देते हैं। ओके साहब। सब आज थोड़ा लफड़ा हो गया साहब। क्या हुआ? अपना 16 नंबर का कान है ना? हाँ हाँ, उधर एक वो क्या बोलता है उसका, वो ऐसा होता है ना, वो ऐसा इतना बड़ा। अरे जल्दी बकना, जो बकना है तो टाइम लगता है, टाइम इतना जल्दी कैसे बोलेगा। बॉल बॉल, हां दीवार में अंदर घुस गया। कोई दबा तो नहीं? नहीं, जख्मी तो नहीं हुआ, मरा तो नहीं, तो जान दे। अंदर एक हड्डी निकला, स्केलेटन। स्केलेटन? ए कुत्ता बिल्ली का होगा, इतना बड़ा कुत्ता बिल्ली का होता है? क्या बात करता है साहब, आदमी का होता। ठीक है चलो चल के देखते हैं। नहीं, पुलिस लेके गया हूं। पुलिस ने किसने खबर की? मजदूर लोग आपके पास आने वाला होता तो हम। मेरे फैसले तुम कब से करने लगे? सॉरी साहब, मिस्टेक। जाओ यहाँ। आई सर, गेट आउट फ्रॉम हियर। जाने को बोलने जाओ। यार अमर, वो कान तो बरसों से बंद थी और बात कुछ अजीब ही है। अमर साहब, रिपोर्ट के मुताबिक ये ढांचा 35 से 40 साल की उम्र तक के आदमी का है, जो तकरीबन 15 साल पुराना है। खास बात यह है, क्या से 15 साल पहले एक शख्स राम मोहन शर्मा के अचानक गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये रिपोर्ट किसने की थी? आपके पिता श्री जगदीश ने। मेरे पिताजी ने? हाँ अमर साहब, बहुत तफ्तीश के बाद भी राम मोहन का कुछ पता नहीं चला और ये केस फाइल में गुम होकर रह गया। अगर ये मान लिया जाए कि ढांचा उन्हीं का है तो उनकी मौत वहां कैसे हुई? दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मामला कुछ उलझा हुआ है। ओके इंस्पेक्टर, अगर मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। श्योर। क्या हुआ हमारे यार, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का ख्याल है कि ढांचा 15 साल पुराना है। 15 साल तक वो ढांचा वहां सोता रहा? 15 साल पहले हाँ, डैडी के पार्टनर राम मोहन शर्मा अचानक गायब हो गए। डैडी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस ने लिखवाई थी। यार अजीब सा हो रहा है कुछ, आज कान का नक्शा गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, और फाइलें कुछ ऐसी बिखरी हुई थी कि मालूम होता था किसी ने चोरी की है। हेलो जी, मैं अमर बोल रहा हूँ। बोलो अमर। कुमार साहब, यहाँ फिर एक अजीब हादसा हुआ है। क्या हुआ?
परसों माइंस के अंदर एक ढांचा निकला है। अच्छा, पुलिस का कहना है कि 15 साल पहले डैडी ने किसी राममोहन शर्मा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप जानते हैं राममोहन शर्मा कौन है? ही वाज जस्ट लाइक योर अंकल। तुम्हारे पिताजी के पार्टनर थे और दोस्त थे, हमारे भी बहुत करीब के दोस्त थे। 15 साल पहले एकाएक वो कहीं गायब हो गए, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ढांचा उन्हीं का हो। मैं कुछ केसेस में उलझा हुआ हूँ, खत्म होते ही तुम्हारे पास आता हूँ। डोंट वरी। कुमार साहब, माँ को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। डोंट वरी, कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ। सुना है माइंस की खुदाई में राममोहन शर्मा का स्केलेटन निकला है? हाँ, जानता हूँ। जी सुन रहा हूँ। माइंस का नक्शा कहाँ है? जी मेरे पास, पर अमर ने उस नक्शे पर लाल निशान देख लिया है। अमर किसी भी तरह खदान तक पहुंचना नहीं चाहिए। किलिम जॉन, शामली जॉन गया है बाजार सब्जी लेने और शामली भी उसी के साथ गई है। अरे हाँ, मैं तुम दोनों को एक बात बताना तो भूल ही गई थी। उस रात पार्टी में मैंने एक आदमी को इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाकर ले जाते हुए देखा था और कल शाम को वही आदमी तुम्हारी ऑफिस के सामने घूम रहा था। तुम इसे पहचान सकती हो? क्यों नहीं। इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम यहां बैठी हो। अरे क्या हुआ? मां बीमार है। नीता कम ऑन नाउ, डोंट बी अ चाइल्ड, सब ठीक हो जाएगा। अमर, तुम नहीं जानते, मां ने मुझे कभी मेरे बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया, एक दिन के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। मैं पहली बार उनसे अलग हुई हूं ताकि विजय को अपने साथ ले जा सकूं और मुझे दुल्हन के रूप में देख लें। लेकिन लगता है अमर, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं जल्द से जल्द मां को देखना चाहती हूँ, प्लीज अमर। डोंट वरी, मैं भी इंतजाम कर देता हूँ। डोंट वरी। तुम इतने झूठे निकलोगे मुझे मालूम नहीं था। क्या मुझे खिलौना समझा? खेला और ठुकरा दिया? रीता तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने सिर्फ तुम्हीं को चाहा है और मरते दम तक तुम्हीं को चाहता रहूंगा। हाँ, शादी तुम मीता से करोगे और मरते दम तक चाहते मुझे रहोगे। अब ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। मीता ने मेरे अरमानों का खून किया है, मैं उसका खून करता हूँ। मीता, मीता, मिस्टर अमर, जब भी कहीं खून या कत्ल की वारदात होती है आप वहां मौजूद होते हैं। इसका कोई जवाब है आपके पास? आपकी खामोशी मेरे लिए सवाल बनती जा रही है मिस्टर अमर। सवाल तो फिलहाल मीता की मौत बनी हुई है। सिर्फ इसलिए कि आप फिर कानून से कुछ छुपा रहे हैं। छुपाऊं तब जबकि मुझे कुछ मालूम हो? मुझे भी उतनी मालूमात है जितनी कि आपको है। नहीं, आप मुझसे कुछ ज्यादा ही जानते हैं, इसलिए ना पहले आपके पास मेरे सवाल का जवाब था और ना अब है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे देता, मीता अचानक मर न गई होती तो। यह गलत है, वो अचानक मरी नहीं बल्कि उसे मारा गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह इंस्पेक्टर विक्रम को मारा गया था। विक्रम के कातिल को सिर्फ मीता ही पहचानती थी, अगर वो जिंदा होती तो आज कातिल आपके सामने मौजूद होता। वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ आपको गिरफ्तार करना चाहता हूं, वो भी मीता के कत्ल के इल्जाम में।
इंस्पेक्टर आनंद यार। जी 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 समझ गया। जी जी बिल्कुल ओके। मिस्टर अमर आप जा सकते हैं, लेकिन ललित तो बाहर नहीं। आधा हो गया अभी। अरे साहब कितना टाइम लगा है? मर गया। कौन मर गया?
तुम्हारा मेम साहब। क्या? तुम्हारा माँ। तुम्हें किसने बताया? कोई नहीं बताया, हम अपना आँखी से देखा। क्या देखा? तुम्हारा माँ, तुम्हारा मेम साहब बम्बई में होता ना, हाँ? वो बेचारा लोग इधर आ गया। उल्लू का पट्टा, आगे तो मर क्या बोलता है? वो अपना बोलने का स्टाइल है साहब। इडियट। इडियट? इतना अच्छा बात बोला गाली देता है? बस बस रहने दे, मुझे देखा और लगा दुलार जताने। वैसे तुझे किसी की फिक्र नहीं है? हाँ, फिक्र तो सबकी है माँ। वो रामू नहीं आया? हाँ हाँ, तुझे रामू की परवाह है, अपनी नई दुल्हन की नहीं। उसे छोड़कर यहाँ भाग आया और फिर पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली। माँ मैं क्या करता? मैं पूछती हूँ, क्या तेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि तू उसे आकर ले जाता? आजकल कुछ काम ज्यादा है माँ। और तो सब बेकार है, बिल्कुल बाप की सी हरकतें। नहीं माँ, ये बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ, वो तो बहू की उदासी मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं खुद उसे लेकर यहाँ चली आई। हाँ ले आई तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं सोच रहा था कि... मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है, जा वो ऊपर है, जा जा। बहुत अच्छा किया तुम आ गई, मतलब तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेला था। तुम्हारी बातें करके माँ इतनी खुश होती हैं कि पिताजी के स्वर्गवास के बाद कभी इतना खुश नहीं देखा मैंने। सच पूछो तो ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मेरे जीवन में, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशान था यहां। जिस दिन से मैं आया हूं अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं मेरे साथ, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना जाने कौन है जो मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं। तुम जो आगे मेरा दुख सुख बांटने वाली हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सहारा चाहिए। मुझे सहारा दोगी ना? मधु कहाँ है? मैं मधु? नहीं, तुम मधु नहीं। क्यों परेशान करती हो मुझे? किस लिए? क्या चाहती हो मुझसे? रात दिन मेरा पीछा करती हो, कौन हो तुम? मैं आपकी पत्नी हूँ, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। कुछ गलत आदमियों ने तुम्हें फंसाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहा, और एक दिन इंस्पेक्टर विक्रम का खून जोगिंदर ने किया है, जोगिंदर के पीछे किसी और का हाथ है। अग्नि के साथ फेरे लेकर तुमने मुझे अपना पति माना है ना? हाँ। तुम अपने पति के लिए क्या कर सकती हो? मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। इस वक्त मुझे तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारा शरीर चाहिए। हर पति का अपनी पत्नी के जीवन पर, उसके शरीर पर अधिकार होता है। आज मैं तुमसे वही अधिकार मांग रहा हूं। अमर, अमर बाहर मत जाओ, भगवान के लिए मेरी बात मान जाओ अमर।
थैंक यू इंस्पेक्टर। कौन थे वो लोग? पता नहीं। आपको किसी पर शक है? पहले मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। भगवान का शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। खैर चलिए पुलिस स्टेशन, इस हादसे की रिपोर्ट लिखाना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब ये तो बताइए आपको इत्तला कैसे मिली कि वहां पे मुझ पे हमला होगा? यह बड़ी अजीब सी बात है। मेरे कांस्टेबल ने एक पर्चा ला कर दिया जो किसी ने खिड़की से फेंका था। जब वो बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। क्या लिखा था पर्चे में? उर्दू में लिखा है, पढ़कर सुनाता हूं। पीली हवेली के पास लक्ष्मी कोल माइन के मालिक अमर साहब की जिंदगी को खतरा है। बराए मेहरबानी उनकी जिंदगी बचाने की जहमत गवारा फरमाई जाए। बंदी मशकूर होगी। खत की लिखाई से मालूम होता है कि लखनऊ के नवाबी जमाने की किसी नाचने गाने वाले की जुबान है। मिस्टर अमर, आप किसी ख्याल में खो गए थे? हाँ इंस्पेक्टर, जिंदगी एक साल पीछे लौट गई थी। अच्छा तो तुम इस एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करोगे? हरगिज नहीं, किसी कीमत पे नहीं। तो फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो राम मोहन का हुआ है। इसका मतलब है राम मोहन? जी, वो गायब नहीं हुआ, मैंने उसे जान से खत्म कर दिया। और अब कान में छुपे हुए करोड़ों के हीरों का राज सिर्फ हम दोनों जानते हैं। नमक हराम कमीने, तूने राम मोहन का खून किया है, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। उसके लिए सबूत चाहिए मिस्टर जगदीश। मैं सबूत हूँ, मैं अदालत में गवाही दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। आप फरमाइए। आखिर तुम चाहते क्या? मैं अमर की जान की कीमत। वो तुम्हें जान लेने के बाद मिल जाएगी। विक्रम और मीता के खून की कीमत बात मामूली थी, अमर की जान का सौदा उतना सस्ता नहीं होगा। क्यों? अमर के मरते ही कोयले की कान में छुपे हुए उन हीरों के तुम मालिक बन जाओगी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। करोड़ों की इस दौलत का एक छोटा सा हिस्सा अमर की मौत से पहले मुझे चाहिए। सिर्फ 5 लाख। ठीक है, वो तुम आगे ले जाओ। थैंक यू। अरे माजी उसे अपने साथ में लाई है यार, भला माजी की आंखें धोखा खा सकती है? बेटा ये तुझे क्यों कैसे लगे? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। नहीं बेटा साफ साफ बता, तुझे मेरी कसम। माँ वो कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। भगवान, ऐसे ही हमले में कुछ लोगों ने तेरे बाप की जान ली थी। मेरा तो जी डर रहा है, कहीं वो। तुम फिक्र मत करो माँ, आज मैं इस राज का पता लगा कर जाऊंगा। मधु, विजय, विजय, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूं आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप तो जानते ही हैं इतने पैसों का मामला कब किसकी नीयत बदल जाए। लेकिन मेरी नीयत नहीं बदलेगी। मधु को मैं साथ लेकर आया हूं और अमर को मेरा आदमी कभी भी लाता होगा, जिंदा या मुर्दा। जॉन, ये क्या बदतमीजी है? कहां जा रहे हो? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? मैं कौन होता हूं वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम इस आधी रात को कहां जा रहे हो? लगता है काफी चढ़ा लिया तुमने, एक हाथ पड़ेगा तो सारा नशा उतर जाएगा। चलो हट यहां से। मैं नशे में नहीं, होश में, और तुम्हें इस वक्त मेरे साथ चलना होगा।
नमक हराम, नौकर होकर मुझ पर हुक्म चलाते हो? नौकर था, अब नहीं। तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं? अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो जरूर चला दूंगा। चलो चलो। अभी पता चलेगा कि मैं कौन हूं। खुसट, मैंने धम किया, सारा पैसा लेके तुम भागता है, हैं? कौन है तुम? अरे वाह, बहुत शाना लगता है। वो 25 लाख हाथ में क्या आया? आंख में सुअर का बाला गया? बड़ा लोग बोलता है, जो आदमी अपने लोग को पहचाने से इनकार करता है, उसका बुरा टाइम चालू हो जाता है। बकवास मत करो, हट जाओ सामने से। होशियारी नहीं, होशियारी नहीं, बड़ा लोग से होशियारी नहीं। वो बैग खोलो, माल निकालो, चलो। नहीं, इसमें से मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। अरे पाई काम क्या करेगा? पाई तुम रखो, माल हमको दो, क्योंकि असली माल हमारा पास है। बेकार, ये सलाखें बहुत मजबूत हैं। तुम जीते जी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हें उसी वक्त खत्म करवा सकता था जब तुम यहां आए थे, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कानून मुझे मुजरिम समझे। मैंने तुम्हारे बाप का खून करवा दिया था, क्योंकि उसने कोयले की उस खदान में छुपे हुए हीरों में मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। और तुम्हारे चचा का भी खून मैंने ही करवाया, क्योंकि हीरों का राज वो भी जान गया था। इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम को एक भारी रकम देकर खरीद लिया, ताकि मिली की मौत की झूठी कहानी तुम्हारे सामने सच्ची कर सके और तुम उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाओ। और ऐसा ही हुआ। मैंने इस ड्रामे के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। पंडित हरिओम के जरिए मिली यानी मधु की तस्वीर तुम्हारी मां को दिखा दी और तुम्हारी शादी मिली यानी मधु से हो गई। लेकिन सुहाग रात को जिसका तुमने घूंघट उठाया था, वो न मिली थी न ही मधु, वो तो सिर्फ किराए की लड़की थी। दरअसल तुम्हारी शादी मिली से ही हुई थी। हाँ, इंस्पेक्टर विक्रम न मुंह बंद रखने की और कीमत मांग रहा था। अफसोस तो मुझे मीता की मौत का हुआ, जब मुझे यह पता चला कि उसने मेरे आदमी जोगिंदर को पहचान लिया। मैंने उसका काम तमाम करवा दिया। और मैंने मधु को तुम्हारी मां के साथ ललितपुर भेज दिया, लेकिन वहां मेरी चाल कामयाब नहीं हो सकी। मधु ने मेरे साथ गद्दारी करके तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर भी मैंने सायरन की आवाज पर तुम्हें मधु से अलग कर दिया। मुझे डर था कहीं तुम उस नक्शे पर लगे लाल निशान की मदद से उन हीरो तक ना पहुंच जाओ। इसीलिए मैंने ऑफिस से वो नक्शा चोरी करवाया। अब वहां तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। शायद तुम नहीं जानते, तुम्हारी मां की मर्जी के मुताबिक सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी गई है, ताकि तुम्हारे मरते ही सारी जायदाद की हकदार तुम्हारी बीवी मधु हो जाए। और मधु को अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे यहां से जाते ही एक जबरदस्त धमाका होगा, ये इमारत कागज के पुर्जों की तरह उड़ेगी और तुम्हारी हड्डियों का धुआं आसमान पर छा जाएगा। गुड बाय।
हेलो इंस्पेक्टर सतीश हियर। इंस्पेक्टर सतीश ध्यान से सुनिए, आप फौरन पुराने डाक बंगले में पहुंचिए, वहाँ मिस्टर अमर लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे है, उन्हें फौरन आजाद कराइए। और मैं मुजरिम कुमार के पीछे जा रहा हूँ जो एक बेसहारा और मजबूर लड़की को लेकर फरार हुआ है। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं ये बताना कोई जरूरी नहीं। हेलो 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 क्यों आए हो यहाँ, अब क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हें लेने आया। नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अपने भाई के पास भी नहीं? मुन्ना? हाँ और अमर भी। अमर? मुन्ना? नहीं नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे। हाँ बेटी, अमर और तुम्हारे भाई को छीन कर तुम्हारी खुशियां उजाड़ दी थी मैंने, आज वही खुशियां तुम्हें वापस लौटाने आया हूँ। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, वो तुम्हारी राह देख रहे हैं, चलो चलो मेरे साथ। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट, दैट्स माय ड्यूटी। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे किसी ने फोन पर बताया। किसने? उसने अपना नाम तो नहीं बताया, और उसने ये भी खबर दी है कि कुमार एक लड़की को लेकर फरार हुआ है। आइए चलिए। इंस्पेक्टर साहब मैं आपकी गाड़ी यूज कर सकता हूँ? ओह श्योर, मैं आपको जीप में फॉलो करता हूँ। थैंक यू, आओ मेरे साथ। Thank you.
नहीं, नहीं। गिरफ्तार कर लो इन सबको, पकड़ लो इन्हें। हाँ हाँ, आने की जरूरत नहीं है, बताता हूं। सीबीआई ऑफिसर खान, सारे अमर साहब, मैंने बहुत तंग किया आप लोगों को, काफी कच्चा पका खाना खिलाया आप लोगों को। मैंने भी तो काफी बुरा भला कहा, काफी डांटा फटकारा आपको। I'm so sorry. कोई बात नहीं। अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तूने से मैला हो ऐसा बदन तूने पाया है, सारा चमन मुझको ऐसा लगे तेरी छाया है। तू है